हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अब हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके क्वांट, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के, या फिर जो हॉट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस लाते रहेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम रीजनिंग का, आज बहुत ही बेसिक टॉपिक है डायरेक्शंस, ठीक है, वो कवर करेंगे। हालांकि मैं सोच रही थी कुछ एडवांस टॉपिक डाल देती हूँ, बट अभी पहले हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शंस में मैं 3 पार्ट्स में उसको लेकर आऊंगी। हालांकि हम ऐसा भी हो सकता था कि हम एक ही वीडियो बनाते हैं एंड पूरे डायरेक्शंस का पूरा चैप्टर उसी में सम अप कर देते हैं, पर इंस्टेड ऑफ 25 मिनट्स की पूरी वीडियो बनाने से 25 to 30 मिनट्स की, आई थॉट कि उसको 2-3 पार्ट्स में 10-10 मिनट्स और 9-8-8 मिनट्स की वीडियो में उसको डिवाइड किया जाए, सो दैट कि जिसको जो पार्ट देखना है एटलीस्ट वो पार्ट देख सके। ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत लंबी वीडियो के चक्कर में स्टूडेंट्स वो वीडियो स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो जिसको जितना इन्फॉर्मेशन जिसको सीख कर नहीं आप उतनी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डायरेक्शंस के पार्ट 1 से शुरू करते हैं, जिसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी एंड उसके बेसिक वाले क्वेश्चंस देखेंगे। देन सेकेंड पार्ट में हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रिलेटेड एंड रॉन्ग डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन थर्ड पार्ट में वी विल डील विद शैडो क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाँ चलिए, जी, तो हम डायरेक्शंस में देखते हैं कि कैसे से क्वेश्चंस आते हैं, क्या डायरेक्शंस होती हैं। हमें ये तो पता है कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हिंदी में बोले तो उत्तर, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, साउथ इज दक्षिण, ईस्ट इज पूर्व एंड वेस्ट इज पश्चिम, ठीक है। पर इसके अलावा हमें 4 डायरेक्शंस और होती हैं, ठीक है। वो 4 डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन्हीं को ही रेफरेंस मान करके किया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ लिखना है। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। सिमिलरली ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हाँ जी, हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही रेफरेंस मान के कीजिएगा। इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, ना कि ईस्ट साउथ, ये गलत होगा, ठीक है। तो इन्हीं को ही रेफरेंस मान करके डायरेक्शंस के नाम रखे जाते हैं। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में कि कोई बंदा यहाँ खड़ा है, इतने किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर वहां से राइट मुड़ गया, फिर इतने किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो फाइनली कहाँ पहुंचा है, कितने किलोमीटर चल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर डायरेक्शन समझ आ रही है, मतलब आप ऐसे मत लेके देखना, ये मत सोचना कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ तो मेरा तो नॉर्थ अलग है, आपका नॉर्थ अलग है। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अपना इसी हिसाब से लेना कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ के ऑपोजिट 180 डिग्री पे साउथ है, राइट साइड पे ईस्ट है, और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट है, ठीक है। तो अगर ये 4 डायरेक्शन समझ आ जाती है, तो इनके बीच की भी बन जाएंगी। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, सिमिलरली साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से डायरेक्शन बनानी होगी। ओके, बराबर सीरीज को ये कर देते हैं हम। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं ये। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इससे फर्क पड़ता है हमारे लेफ्ट राइट का, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप साउथ डायरेक्शन फेसिंग है, साउथ डायरेक्शन फेसिंग क्या है? देखो, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ में। तो आप क्या कर सकते हो, शुरुआत में अपनी कॉपी को घुमा सकते हो। तो जैसे भी अपनी कॉपी सीधी है, उसको आप नॉर्थ मानिए, और अगर मैंने साउथ बोला है, कॉपी को घुमा दो बिल्कुल 180 डिग्री पे उल्टा, इसका मतलब अब आप साउथ डायरेक्शन में हो गया। जैसे सीधे देख रहे हो वो नॉर्थ है, बिल्कुल घूम जाओगे वो साउथ हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब जो नॉर्थ में लेफ्ट होता है, साउथ में उसको राइट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो इस बंदे का, या आप यहाँ पर खड़े हो, तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। अब जब आप उल्टे हो जाओगे, ठीक है, अब आपने फेस ऐसे कर लिया। डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत गलत है। तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट का फर्क पड़ जाता है डायरेक्शन से, सिमिलरली ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी डिग्री या एंगल से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, पहले मैं ये ड्रॉप कर देती हूँ सारा।
जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, हमें दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब इसके बीच से ये वाली नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन गई थी, तो इस दोनों के बीच में 45 डिग्री का ये एंगल बनेगा, 90 का हाफ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में इस हिसाब से कितना एंगल बना, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो टोटल मिला करके ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो हर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में 90 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और जैसे ये ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ है, वेस्ट और साउथ है, इनके बीच में 90 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, वहां से मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो 270 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो फाइनली कहाँ पहुंचा, अब आपको डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। अगर आपको इमेजिन करना आराम से आ गया, तो आई एम 110% श्योर को पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार कॉन्सेप्ट को, डायरेक्शन को दिमाग में आराम से बिठा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इनिशियल इतना पेन दे दीजिए, फिर बंदा कहाँ कैसे जा रहा है, कितना डिग्री मुड़ रहा है, आप ब्रेन में कर सकते हो बिना पेन पेपर के। एंड 30 सेकेंड, हार्डली 40 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एंड 2 नंबर, 4 नंबर, जो जिस पेपर में जितने भी नंबर के क्वेश्चन होते हैं उतने आपकी पॉकेट में, ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए पहले हम सिंपल से क्वेश्चन देखें, ठीक है, जो बंदा जहाँ पे खड़ा है डायरेक्शन में, और कितने मीटर किलोमीटर चला है, कहाँ पहुंचा, ठीक है, फिर हम बाद में ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा थर्ड टॉपिक भी, शैडो के भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे, पहले आप इन टाइप से फेमिलियर हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा, ओके, ये मैंने रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए था कि अगर आपको इंडिया का मैप पता है, तो इंडिया के मैप से आपको अगर मुझे डायरेक्शन से बतानी हो तो कैसे आप बता सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम अभी आते हैं, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे इफ यू आर फ्रॉम चेन्नई सपोज, ठीक है, तो अगर मैं चेन्नई से, जो हमारा कंफ्यूजन होता है ना कि नॉर्थ साउथ कहाँ है, मेरा साउथ अलग है, तुम्हारा साउथ अलग है, ठीक है, बट हम नॉर्मली अगर देखें, अगर कि चेन्नई में कोई बंदा बैठा है, डायरेक्शन तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, ऊपर वाला नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे ही चेन्नई वाले का ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि मुंबई, रेफरेंस पॉइंट याद रखिएगा, मुंबई चेन्नई से कौन सी डायरेक्शन में है, चेन्नई से पूछा है मैंने, तो चेन्नई से मुंबई, मुंबई देखो इधर टेढ़ा पड़ रहा है ना, टेढ़ा साइड पे जा रहा है, तो सीधा जाएगा हमारा नॉर्थ साइड पे, वेस्ट पर हमारा बैंगलोर हो गया, और देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ना ये ऐसे टेढ़ा पड़ रहा है, चाहे कितना भी टेढ़ा हो, हमें एंगल से मतलब नहीं है कि वो 45 पर पड़ रहा है कि 32.5 पर पड़ रहा है, टेढ़ा पड़ रहा है ना, तो मुंबई बेसिकली चेन्नई से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर हम मुंबई से बात करें चेन्नई की, ठीक है, तो ये अब मुंबई का नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो मुंबई से चेन्नई की बात करें, तो अब क्योंकि मुंबई का ये साउथ और ईस्ट के बीच में चेन्नई पड़ता है, तो मुंबई से चेन्नई साउथ ईस्ट कहलाती है, ठीक है। ऐसे इन डायरेक्शन के रेफरेंस आप कर सकते हैं, सिमिलरली आप कोलकाता का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को, आप वीडियो को अपना पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जिनको आता है बिल्कुल अच्छे से, वो विदाउट पेन पेपर ब्रेन में करने का सॉल्व ट्राई कीजिए, ठीक है, और जिनको नहीं आता पूरा पेन पेपर की हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं अभी आपको डायरेक्टली बताती हूँ उसका आंसर हम कैसे करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपको मजा भी नहीं आएगा देखने में। अभी देखो कैसे कह रहे हैं, जैसे दीपक मोहन जो भी है, अच्छा दो दो बंदे, दीपक मोहन एक ही बंदा है इसमें, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसका मैप बनाऊंगी, दिस वुड बी माई नॉर्थ एंड दिस वुड बी माई साउथ, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है इस वेस्ट की, पर ये जो बंदा है दीपक मोहन, ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में चलेगा, तो आप अपनी कॉपी को घुमा लीजिए, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये इसका राइट पड़ेगा और ये इसका लेफ्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, तो लेट सपोज दिस इज आर 5 किलोमीटर, यहाँ से ये कहाँ टर्न हुआ, टुवर्ड्स दी राइट, तो इसका राइट इधर पड़ रहा है देखो, तो हम इधर मुड़ जाते हैं, एंड कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, राइट, ही टर्न्स टू द लेफ्ट,
अब जब ये ऐसे चला तब इसका फेस ऐसे है ना, बंदे का फेस देखो ऐसे है, दिस साइड है ठीक है। तो यहाँ से इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ राइट पड़ जाएगा। अब अपने आप को इमेजिन कीजिए, अब आपका फेस ऐसे है, तो अगर और भी थोड़ा कॉपी को नहीं घुमाना है तो आप नॉर्मल भी अपने आप को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं ठीक है। तो अब अपने आप को ऐसे घुमाओगे टिल्ट करोगे तो ये ऊपर की तरफ आपका राइट हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ से नीचे की तरफ आपके लिए 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, बस इतना सा है, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। ये क्वेश्चन लास्ट में क्या लिखा है प्लीज इसको बहुत ध्यान से करिएगा, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग पूछा है उसने। व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग है ठीक है। तो फेस अभी कौन सी डायरेक्शन में होगा, अभी देखो ये है साउथ ये है वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में क्या पड़ता है, साउथ वेस्ट। तो आंसर शुड बी डी, साउथ वेस्ट शुड बी करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को इसने पूछा होता कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए दो चीजें होती, तीन चीजें होती हैं इनफैक्ट, डायरेक्शन में वो फेस करके है अभी राइट नाउ, दूसरी चीज होती है कि इनिशियल इनिशियल पॉइंट से अभी राइट नाउ किस डायरेक्शन में है, एंड थर्ड चीज होती है फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में था ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लास्ट की लाइन क्या है, वो बहुत ध्यान से पढ़िए ठीक है, उसके हिसाब से हमारा बहुत गड़बड़ हो जाता है, पॉइंट में भी बहुत गड़बड़ होती है वाली चीज। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ एंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का आंसर सेम होगा, बिकॉज इनिशियल से फाइनल भी वो साउथ वेस्ट होगा। पर अगर इसी को पूछ लिया होता कि फाइनल ये हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो फाइनल पॉइंट से, अब इस फाइनल पॉइंट का मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ, अब फाइनल पॉइंट का फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना सकते हैं ठीक है। ध्यान से देखो कि ये फाइनल पॉइंट ऐसे टेढ़ा पड़ रहा है ये ठीक है। तो अगर इस फाइनल पॉइंट का आपने ऐसे बनाया होता नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये टेढ़ा पॉइंट पड़ रहा है ना इनिशियल पॉइंट, तो ये इधर टेढ़े पे कहाँ, यहाँ कहीं पड़ रहा है यानी इनिशियल पॉइंट ठीक है, ये आपका फाइनल पॉइंट। तो अगर फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता नॉर्थ ईस्ट ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कहाँ से जहां से पूछा जाता है वहां से आप अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दो, वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, बट बहुत आसान है, आराम आराम से समझिएगा इस चीज को। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, ओके अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड से ज्यादा लगना चाहिए ठीक है, अब मैं तो समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं। सौम्या कृष्ण, अगेन एक ही बंदी है तो नाम में से बड़े बड़े हैं। सौम्या कृष्णन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चली, तो ये हमने लगा लिया दिस इज आर 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां से शी टर्न राइट राइट एंड वॉक 30 मीटर 30 मीटर्स, आई एम सॉरी मैंने किलोमीटर बोल दिया था, 30 मीटर्स है ठीक है, तो मीटर लिख देते हैं उसको। यहाँ से राइट सपोज यहाँ से मुड़ी है एंड दिस इज आर 30 मीटर, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब ये दोबारा अगर राइट मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ उसका लेफ्ट होगा एंड नीचे की तरफ उसका राइट होगा ठीक है। आप अपने आपको थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं, तो जब ये राइट होगी 35 मीटर चलेगी, देखो यहाँ पे कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, प्रॉपर हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। तो 20 किलोमीटर तो ये चली एंड फॉर 35 किलोमीटर उसको 15 मीटर और चलना पड़ेगा, तो जा करके ये 35 मीटर बना, तो अभी मान लीजिए वो यहाँ पहुंच गई है ठीक है। देन शी टर्न लेफ्ट, तो अभी उसका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ है, तो अब यहाँ से उसका लेफ्ट किधर पड़ेगा, इस साइड, तो एंड वॉक 15 मीटर, इधर 15 मीटर चल गया। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अब यहाँ से वापस से 15 मीटर लेफ्ट मुड़ के चल गया। तो अभी अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में भी चल रही है, यहाँ से 15 मीटर, एक मिनट मैं जरा थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ठीक है, मेरे रास्ते में पड़ेगा। अब यहाँ से जब वो लेफ्ट मुड़ेगी तो
लेफ्ट मुड़ के 15 मीटर लेफ्ट पड़ेगा उसका ऊपर की तरफ, तो 15 मीटर देखिए ये वाला 15 मीटर और ये 15 मीटर 15 मीटर सेम हो जाएगा, तो अब फाइनली इधर पहुंच जाएगी। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखा है जो मैंने भी कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर है और कौन सी डायरेक्शन है। ये देखो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग से एंड डायरेक्शन कौन सी हमारी ईस्ट। देखो ईस्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है तो ये हमारे ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए फटाफट से। अब डिस्टेंस आप देख लीजिए, 30 मीटर चले गए, 45 मीटर चलिए, देखो 30 तो यही चलिए ठीक है, 15 ये चलिए, तो 30 + 15 वुड बी 45 मीटर्स, तो 45 मीटर ईस्ट वुड बी करेक्ट आंसर ठीक है। तो हमारे अभी आज के उसमें यही क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको उसमें और भी क्वेश्चन जानने हैं, समझने हैं और क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो आप सेल्फ से जुड़ सकते हैं ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें मैं थोड़ा आपको डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एंड शैडो के क्वेश्चन आपको समझाऊंगी ठीक है। टिल दैट टाइम कीप पेसिंग योर सेल्फ एंड हमसे कोई भी इंक्वायरी है आपकी, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कैन कनेक्ट अस विद ऑन द सेम नंबर ठीक है। बाकी हमें प्लीज बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो और क्या फीडबैक है आपका। थैंक यू सो मच।